एक तरफ था ऑटोबाबा ब्लास्टर, दूसरे तरफ सम्राट इलेवन। और ये हुआ है क्या पैसा असूल वाला मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 रन क्या काफी था आपके लिए? काफी था क्योंकि हमारे पास काफी अच्छे गेंदबाज है हमारे पास, कि हम 100 रन भी डिफेंड कर सकते हैं, 180 रन भी डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बॉलर है वो टॉप क्लास बॉलर है। वो टूर्नामेंट जो कोई भी टूर्नामेंट जाएगा वो भी मैच विनर है, तो हमारे पास वो आत्मविश्वास था जो हम डिफेंड कर सकते हैं, और वो किया भी। लेकिन बल्लेबाजी पे कहाँ पे गलती हुआ, जहाँ पे वो बार बार अंतराल पे आप विकेट गवाते रहे, क्या आगे जाके बल्लेबाजी पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपकी टीम को? हाँ, काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो की बैट्समैन है अनुराग जैना, जीवानंद जैना, उनके ऊपर काफी प्रेशर है, क्योंकि वो अगर चलेंगे तो हम स्कोर करेंगे, अगर वो नहीं चले तो हमारा स्कोर हमेशा 100 रन के अंदर रह रहा है, तो इसीलिए तो उनके ऊपर प्रेशर है, इसलिए वो नहीं खेल पा रहे। आगे जाकर ये प्रेशर हम देखेंगे, हम अगर कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो आगे टीम के लिए काफी अच्छा होगा। जी, इस साल का जो पहला मैच था वहाँ पे हार मिला आपको, जब आगाज हुआ था इस टूर्नामेंट का, लेकिन यहाँ पे जीत मिल चुका है। गेंदबाजी आपका ताकत रही है हमेशा से, और यहाँ पे आपको बार बार काम करना पड़ेगा। आज का मैच पे कौन सा एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको मैच जिताया, एक मैच विनर निकालना हो, गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज, किसको आप निकालना चाहोगे आपके टीम से? मोंटू साहू स्टैंड आउट बॉलर था। थैंक यू, ओपनिंग बॉलिंग किया उसमें से प्रेशर ज्यादा उनके ऊपर हो गया। थैंक यू वेरी मच सम्राट इलेवन के कप्तान, कंग्रेचुलेशन, वेल डन गाइस। आप लोग भी इस तरीके की वीडियो देख सकते हैं, प्लीज आप यूट्यूब पर जाइए, फेसबुक, इंस्टा पर जाइए, क्रिकेट वाणी को सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, और आप जब भी सपोर्ट करेंगे ये क्रिकेट वाणी आगे की तरफ जाएगा। और क्रिकेट वाणी किसका है? आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच PPL के सारे ऑर्गेनाइजर, फिर मिलेंगे अगली शनिवार, हो सकता है शानदार शनिवार। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।